ये जो तख्ती है कानून व्यवस्था पर एक तरह से सवाल, हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? मैं अभी पार्लियामेंट से बाहर आया हूँ। मैंने सभापति जी से कई बार कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हमें यहाँ चुन के भेजा है, सरकारी पॉलिसी का फायदा तो उनको तभी मिलेगा जब जिंदा रहेंगे, लेकिन जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में राजकुमार जाटव जी की और उनके बेटे पे सरेआम गोलियां चली, सर को गोली चीर के निकल गई, मौके पे मौत हो गई। पुलिस FIR लिखने की बजाय समझौते का दबाव बना रही है। रात बड़ी मुश्किल, पूरी रात धरना देके हमारे लोगों ने FIR कराया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2.5 साल की बच्ची को मेरठ में नोच दिया गया है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका परिवार रोता फिर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उसका परिवार एविडेंस खुद इकट्ठे कर रहा है, बच्ची के कपड़े, खून से सनी हुई जगह और वो गड्ढे जहां उसको दबाने का इंतजाम था, कोई सुनने को राजी नहीं उत्तर प्रदेश में। साथ साथ राजस्थान में कल जो हुआ है वो डरावना। शंकर लाल मेघवाल की गला काट के, तलवार से गला काट के अलग कर दी गई, ये हमने कभी टीवी में देखा था, कभी हमने पुराने उसमें समय था राजतंत्र में। आज जो सरेआम हो रहा है उसके पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो RML में किस तरह से जो है, एक RML में यहाँ है और एक दूसरे वहीं राजस्थान में अपना इलाज करा। ये जो दुर्दशा हो रही है, हम क्या करेंगे पार्लियामेंट में अगर अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? अगर पार्लियामेंट हमें बोलने का मौका नहीं देंगी तो हम सड़कों बोलेंगे, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और वहां बैठे मुख्यमंत्री तानाशाही में इतने खोए हुए हैं कि उनको जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। क्या कहें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है पार्लियामेंट में, कोई सुनने को राजी नहीं। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? क्या फायदा हमारा पार्लियामेंट में अगर हम दलितों के दमन पे आवाज नहीं उठा सकते? ये गुंडागर्दी की सरकार, इसी का सबक 2019 में 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और आने वाले कल में और सबक सिखाया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी और दलितों पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद नहीं होगा, तो इससे बुरे परिणाम होंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। और अंदर बैठे जो लोग हैं वो ये ना समझे कि हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, आने वाले कल में हमारी संख्या बढ़ेगी और अगर संख्या के आधार पर बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन ये जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे सीने में आग लगी है क्योंकि मेरे लोगों को मारा जा रहा है। मैं क्या करूं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, ना यहाँ कोई सुनने वाला ना बाहर कोई सुनने वाला। और इस गुंडागर्दी की सरकार का अंत निश्चित है, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जान लें। आप जो कर रहे हैं, चाहे नौजवानों के पेपर लीक हो, चाहे बहन बेटियों का अपमान हो, चाहे आपकी गुंडागर्दी तानाशाही घोटाले हों 69 शिक्षक भर्ती में, इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को और आपको दोनों को भुगतना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला किया था और उसे भी व्यवस्था का हवाला दिया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, कांवड़ यात्रा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आज पिटीशन दायर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपने फैसले का बचाव कर रही है, वो कह रही है कि ये ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, इसके लिए ये किया जो भर्ती आ रही है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रख लो। 69 शिक्षक भर्ती, 20,000 पदों का घोटाला किया है, 6,800 नियुक्तियां आपने जारी की थी, उसका भी उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रख लो। कहाँ का ट्रांसपेरेंसी रखोगे? ट्रांसपेरेंसी सिर्फ जो है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों में बांटने में नजर आती है, उसके अलावा नजर आती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार कभी ये मान पाती कि उन्होंने जो फैसला किया था, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था वो गलत था। ये मैं कह रहा हूँ, इसको ये निहायत सड़े हुए गुंडई के फैसले, इनका जो है इंतजाम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है और आप देखना उपचुनाव में भी सूर समेत सबक जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता सिखाएगी।